Delhi police is coming into the campus, firing tear gas cylinders and also throwing pelting stones to the students. जब मैं उठी वहाँ से, जब मुझ पर लाठी चार्ज हुई थी, मैं वहाँ पर उठी, फिर मैंने देखा खुद को, मेरे फेस पे ब्लड लगे हुए थे, मेरे कपड़ों पे ब्लड स्टेन्स थे, मुझे पता नहीं था ये किसके ब्लड है. और वो इतना हॉरिफिक मोमेंट था कि मैं अपने सिस्टर को कॉल कर रही थी, एंड आई वॉज नॉट इवन टू कॉल एनी वन बिकॉज माई हैंड वॉज शिवरिंग फ्रॉम द फियर. जब 15 तारीख को हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और कैंपस के अंदर जो ब्रूटल पुलिस क्रैकडाउन हुआ, उसके बाद हम लोग सब बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक माइंड स्पेस में थे. और कैंपस के बाहर की जो भी दीवारें थी, हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम यहाँ पे पेंटिंग्स बनाएंगे CA और NRC के विरोध में, और हम अपनी बात को आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे. ये दीवारें जामिया की हमारे लिए अखबार का काम कर रही हैं, हमारी भावनाओं को बाहर लाने में मदद कर रही हैं. ये हमारे लिए प्रिंटिंग प्रेस हैं. पॉलिटिक्स और आर्ट्स कभी सेपरेट नहीं रह सकती, क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज जो होते हैं वो सोशल इश्यूज से रिलेटेड होते हैं, और आर्ट्स जो होती है वो भी सोशल इश्यूज से निकलती है. तो जो सिचुएशन है हमारी, हमारे दिल्ली की, हमारे इंडिया की, हमारी यूनिवर्सिटी की, वो निकल के दीवार पर हमारा काम है लाना. आइडिया नहीं था कि इतना लंबा ग्रैफिटी हम बना पाएंगे. हमने एक ग्रैफिटी से शुरू किया और हमारे पास जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने खरीदी खुद से और हमने करना शुरू किया. कई बार यहाँ से लोग गुजरते थे, हमें खाने के लिए सामान दे के चले जाते थे कि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ खा लीजिए. तो एज सच फंडिंग का कोई बहुत बड़ा सोर्स नहीं रहा है. लोग ऐसे ही 200-400 देते गए हैं और हमने बनाना शुरू किया है. हमारी टीम में जामिया के स्टूडेंट्स भी हैं, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट भी हैं, और जो दूसरे डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, वो सब हमारे साथ हैं. जो लोकल लोग यहाँ पे हैं वो भी हमारे साथ हैं. हर वॉल पे कुछ ना कुछ लिखा है, इंग्लिश एंड हिंदी. उर्दू वॉज नॉट लाइक, नहीं दिख रहा था हमें, कैलीग्राफी नहीं दिख रही थी कहीं पे. वी थॉट कि चलो हम कुछ अपना पेंट करते हैं, तो बस कर दिया. उस दीवार पे लिखा है वो दिन के जिसका वादा है, जो लौह अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे. कहीं भी जाते हैं, मतलब अगर फ्रेंड्स भी मिलते हैं तो जैसे कि ये क्यों पहनते हो हिजाब, लाइक हमेशा बहुत अप्रेस समझा जाता है इसे, कि इसे हटाओ, इससे क्या हो जाना है. तो मुझे समझ नहीं आया, मैं आ रही थी डेली तो मैंने देखा सबके हाथ में प्ला कार्ड्स था या फिर कुछ ना कुछ लोग लिख करके आ रहे थे. सो आई थॉट कि मैं कहाँ लिखूँ, और जब लिख के जा रही हूँ लाइक, मैंने सोचा जो मैं पहन ली उसी को कुछ वो मिजाज का शेर याद आ जाता है, अपने आँचल को परचम बना लेती तो अच्छा था, इट्स सॉर्ट ऑफ दैट. तो मैंने अपने हिजाब पे ही लिखना और शाल पे लिखना शुरू कर दिया, एंड हियर आई एम. मतलब आई हैव स्टार्टेड विद द वर्ड आज़ादी, एंड देन बोल के लब आज़ाद है तेरे, फिर जुल्म की रात को, जेल की रात को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता. मतलब फिर डेली लेवल पे मैं कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया. मैं कैलीग्राफी करती गई और मैं उसे पहन करके ऑन डेली बेसिस मैं प्रोटेस्ट में आती रही. ये जो पेंटिंग हमने यहाँ पे की है Gate No. 3 जामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, ये ग्रैफिटी उन तीन बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, जो 15 दिसंबर 2019 को पुलिस ब्रुटैलिटी में जो सिविली इंजर्ड हुए. ये हमारा क्लासमेट है तंजील, और ये स्पोर्ट्स पर्सन है, ये बास्केटबॉल प्लेयर है हम जामिया से, जिसके हाथ और फिंगर्स तक फ्रैक्चर हो गए थे क्योंकि पुलिस इन्हें उठा के ले गई थी डिटेन करके, जबकि ये प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे थे. जब ये मार रहे थे पुलिस वाले इन्हें, तो इन्होंने बोला अल्लाह मुझे बचा ले. तो जैसे ही ये सुना उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि अच्छा तो तू पाकिस्तानी है, चल उठा इसे. फॉर मी दीज आर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका फ्यूचर एक सेंसलेस, मतलब एक सेंसलेस अटैक ही कह सकते हैं, ब्रूटल अटैक की वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है. तंजील का राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों फ्रैक्चर्ड है, एंड एज वी ऑल नो ही इज अ बास्केटबॉल प्लेयर. तो अगर वो अब वो बास्केटबॉल कैसे खेलेगा, कोई प्लीज एक्सप्लेन करेगा. यहाँ पे हम मिनाजुद्दीन को देखें, उसकी आँख चली गई है. क्या सरकार के गुंडे या फिर वो जो पुलिस वाले आए थे वो उनकी आँख वापस कर सकते हैं, उनका फ्यूचर वापस ला के दे सकते हैं? आप इस तरह की ग्राफिटी देख रहे हैं, संविधान लिखा है और दिल बना हुआ है. इसका मतलब ये है दैट वी आर ऑल इंडियंस एंड वी लव आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबडी.
एंड जब ये ग्रैफिटीज देखते हैं दीज आर दी विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट इज गोइंग थ्रू आवर माइंड्स थ्रू आवर हार्ट्स एंड दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट आवरसेल्फ. रोजी रोटी मैं प्रोफेशन पेंटर हूँ. इनेमल जैसे बच्चों की पेंटिंगें वगैरह होती हैं, कार्टून होते हैं. जब मैं इधर से आ रहा था तो पीछे कुछ बच्चे राइटिंग कर रहे थे, तो मुझे लगा यार हर इंसान अपने नज़रिए से हेल्प कर रहा है, तो मुझे पेंटिंग आती है तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा इनकी हेल्प कर दूँ. मैं मेरी जान है पेंटिंग, मतलब मन को नहीं मार सकता मैं. यहाँ पर अगर कोई बना रहा होता तो मेरा मन चाहता है कि मैं भी इनके साथ करूँ. तो मैं उनके पास रुका, मैंने उनको बोला कि यार ये जो आप राइटिंग कर रहे हो क्या मैं भी कर सकता हूँ. तो उन्होंने बोला हाँ कर सकते हैं. तो मैंने इनकी हेल्प की और फिर अगले दिन के लिए मुझे बच्चों ने दावत दी है कि मुश्ताक आप कल से आ सकते हैं. मुझे अच्छा लगा और तभी से मैं इनका साथ दे रहा हूँ. अच्छा सपोर्ट मिल रहा है यहाँ से. जो भी लोग गुजरते हैं लोग रुक रुक कर हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और हर तरह से हमें सपोर्ट कर रहे हैं. सो प्राउड टू सी दिस एंड यू नो पीपल कमिंग आउट एंड यू नो एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज इन देमसेल्व्स थ्रू आर्ट. दिस इज रियली नाइस, इट्स रियली टचिंग एंड वार्म. मुझे शौक था आर्मी में जाने का. दिल और दिमाग दोनों एक चीज़ के लिए काम किया करते थे कि आर्मी में जाना है. जब मैं सिक्स क्लास में आया तो मेरा ऑपरेशन हुआ, जिस वजह से डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप ना तो कूद सकते हो ना वज़न उठा सकते हो. तो ऐसा लगा कि मेरे सपने सारे बिखर गए. फौजी आर्मी वगैरह के लोग मुझे, अगर उनको मैं जाते भी देखता था ना, उनकी वर्दी को देख के दिल खुश हुआ करता था और वहीं पर उदास भी होता था कि यार मैं रह गया. तो आज मुझे लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. अच्छा हुआ कि मैं आर्मी में या पुलिस वगैरह में नहीं गया, मैं वरना मुझे भी ऐसे ही गुनाह करने पड़ते और पब्लिक की बद्दुआ लेनी पड़ती. लब आजाद है तेरे, वो जबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जा अब तक तेरी है. बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के लब आजाद है तेरे.